प्रतापगढ़ में इन दिनों पवन सिंह की फिल्म स्वाभिमान की शूटिंग चल रही है और यहाँ आए दिन कोई न कोई स्टार पवन सिंह से मिलने जरूर चला आता है। हम आपको बता दें, उनसे मिलने पहुँचे अरविंद अकेला कल्लू, जो कि पवन सिंह को अपना आइडल मानते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अरविंद अकेला कल्लू इस तरह से पवन सिंह से मिलने आए हों। वैसे आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से अरविंद अकेला कल्लू और पवन सिंह एक दूसरे के टच में नहीं थे, लेकिन प्रतापगढ़ में होने के कारण बताया जा रहा है कि अरविंद अकेला कल्लू पवन सिंह से मिलने पहुँचे। लेकिन मिलने के पीछे की स्टोरी हम आपको बताते हैं। आजकल पवन सिंह अपने जो बैनर है उसके तले फिल्में बना रहे हैं, आप सभी जानते होंगे। इससे पहले उन्होंने गुंजन सिंह को लिया, रितेश पांडे को, और अब नंबर आता है अकेला कल्लू की। जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू का इसलिए हम नाम लेंगे, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि अरविंद अकेला कल्लू की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। उनकी फिल्मों में एक पॉइंट होता है, उनके गानों में एक तबके का ऑडियंस उनसे रिलेट करता है। अब बात ये हो रही है कि अरविंद अकेला कल्लू, जो कि लगातार अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव के साथ स्टेज शो कर रहे थे, फिल्में भी कर रहे हैं अक्षरा सिंह के साथ, फिर उनके साथ अब पवन सिंह क्यों आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पवन सिंह का उनके साथ आने के पीछे मोटिव है कि आने वाले जितने भोजपुरी कलाकार हैं उन्हें एक और अच्छा प्लेटफॉर्म देना और अपने प्रोडक्शन को और मजबूत बनाना। जी हाँ, जब एक प्रोडक्शन से कई बेहतरीन फिल्में बनती हैं तो उस पर लोगों का आकर्षण वैसे ही आता है कि भाई इस प्रोडक्शन से फिल्में आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, तो पब्लिक का भी फेथ बढ़ता है। पवन सिंह ये बखूबी जानते हैं कि वो जिंदगी भर सुपरस्टार बनकर नहीं रह सकते, सभी का एक दौर आता है, जैसा कि पवन ने हमेशा कहा है। वो भी ये जानते हैं कि उनका एक दौर है, कल को ये दौर अगर चला गया तो उनका प्रोडक्शन हाउस जिंदा रहेगा और लोगों के बीच इसी तरह से अच्छी अच्छी फिल्में लाता रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी के अलग अलग कलाकारों के साथ पवन सिंह क्यों जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगला नंबर समर सिंह और प्रदीप पांडे चिंटू जैसे कलाकारों का भी हो। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। हाँ, ये बात और है कि अरविंद अकेला कल्लू के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे पवन सिंह, जिस तरह से वो गुंजन सिंह और रितेश पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।